हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे मुझे इतना प्यार दिया है, मान दिया है, और जो आप बताते हैं कि हाँ मेरे सेशंस आपके काम आ रहे हैं, और ख़ास करके जो आपकी सफलता बढ़ती चली जा रही है वो मुझे बहुत एंकरेज कर रही है। तो इसी तरीके से बस अपनी सफलता को बड़ा करते चले जाइए और हमारे साथ बने रहिए। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन मैं लेकर के आने वाली हूँ। कर्ज से करोड़ तक की यात्रा मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और सचमुच बहुत खुश हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ। ये सारा का सारा नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो मेरा आज है वही आपका आने वाला कल है। जो कुछ भी मैंने पाया है वो सब कुछ आप भी पा सकते हैं फ्रेंड्स, खास करके तब जब मैं जानती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान नहीं है। एक बात तो सही है और बिल्कुल तय है कि जितनी तकलीफ़ें मैंने उठाई हैं उतनी तकलीफ़ें तो भगवान किसी को नहीं दे, पर फिर भी इतने ऑड्स के बावजूद अगर आज मैं इतनी सफल हुई हूँ तो ये भी बात गारंटेड है कि कोई भी सफलता पा सकता है। तो क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक है जो मैं काम में लेती हूँ अगेंस्ट ऑल ऑड्स सक्सेसफुल होने के लिए, वो ट्रिक है जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप सबने बहुत सुना है, सबकॉन्शियस को कैसे सेट किया जाता है, इस पर बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, इस पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उस पर किसी दिन हम भी डेफिनेटली बात करने वाले हैं। पर आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कहते हैं कि सबकॉन्शियस ज़्यादा पावरफुल है, सबकॉन्शियस ज़्यादा पावरफुल है, पर मेरा मानना यह है कि जो बड़ा रोल प्ले करता है वो कॉन्शियस माइंड प्ले करता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस तो सबका एक सा है, वो तो ना तो आर्ग्यू करता है, ना उसको है ना, वो बचपन से ट्यून भी नहीं होता है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो सबके पास सेम है। सिर्फ कोई भी मैसेज हम अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचा देते हैं और वो उसको सही साबित करने में लग जाता है। तो अंतर जो है सफल असफल, या कहते हैं ना कि वो बड़ी सफलता या छोटी सफलता के बीच जो अंतर खड़ा करता है वो डेफिनेटली आपका कॉन्शियस माइंड होता है। मैं इसको एक सीन से समझाना चाहती हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत पावरफुल है। जो भी मैसेज इस तक पहुंचा दोगे वो उस मैसेज को सही साबित करने के लिए इंसिडेंट्स करेगा, एक्सीडेंट करेगा, कुछ भी करेगा, वो कायनात के साथ मिलकर के सब कुछ सही साबित, सच साबित कर देगा जो मैसेज आपने दिया। वो क्या हुक्म है मेरे आका स्टाइल में। बट वो जो सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे के आगे जो चौकीदार बैठा है ना, वो चौकीदार कॉन्शियस माइंड है, और वो कॉन्शियस माइंड वक्त के साथ ट्यून हुआ है, वो लॉजिक भी करता है, वो आर्ग्यू भी करता है, और वो बहुत रिजिड भी है, वो वक्त के साथ ट्रेंड हुआ है, वो मालिक है हमारा। तो वो जब भी कोई मैसेज जो उसको पसंद नहीं आता ना, वो चौकीदार सबकॉन्शियस माइंड तक उस पॉजिटिव मैसेज को जाने ही नहीं देता। कैसे? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मेरे बेटे को एक प्लेन गिफ्ट करना है, तो आज की तारीख में तो चलो मैं मानती हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों ही मेरे साथ हो गए हैं वक्त के साथ, पर जिस समय मैंने शुरू किया था और मैंने कहा था मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है, या मेरे हस्बैंड को मुझे मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है, तो मेरे कॉन्शियस ने मुझसे क्या कहा था? पागल हुई हो, सिंपल सी हाउसवाइफ हो, सिर पे घूंघट है, बच्चा बगल में है, और हिंदी बोलनी एक आती है, दोपहर में 2 घंटे सोती हो और मर्सिडीज गिफ्ट करोगी, पागल? ऐसे बोला मेरे को मेरे कॉन्शियस माइंड में। तो वो जो मेरा चौकीदार था उसने उस पॉजिटिव मैसेज को ही रिजेक्ट कर दिया, उसने उस मैसेज को सबकॉन्शियस तक जाने ही नहीं दिया। फिर जब कॉन्शियस माइंड ही हमारा चौकीदार ही पावरफुल है और वो मैसेज जाने नहीं देगा, तो फिर हमें क्या करना होगा? सबकॉन्शियस कितना भी अच्छा है हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमें सबकॉन्शियस से भी पहले जिससे फाइट करनी होती है ना, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और कॉन्शियस माइंड भी हमारा ही है, हमारा भी कहते हैं ना बाप है। अब इसको कैसे फाइट करो, इससे कैसे लड़ो, और ये बचपन से हम ही ने ट्यून किया है तो आसान भी नहीं है। तो मैंने क्या किया है, एक ट्रिक निकाली है कॉन्शियस माइंड को फूल करने की, कॉन्शियस माइंड को अपनी तरफ करने की एक ट्रिक निकाली है, और वो ट्रिक बहुत सक्सेसफुली वर्क कर रही है। वही ट्रिक मैं अपने आज के सेशन में आपको सिखाने वाली हूँ। ये ट्रिक क्या है मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ, कैसे ये शुरू हुई, कैसे ये इवॉल्व हुई, सारी बातें आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मैं एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैंने सोचा कि अभी इंडिया में अच्छा काम चल रहा है, ठीक है, शुरू हुआ है, वी हैव स्टार्टेड वेल, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा जा रहा है, पर क्या मज़ा आए ना इंटरनेशनल जाने का मौका मिले, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसे सोचा। फिर कहा कि चलो, मेरा फेवरेट कलर नेवी ब्लू है, फिर बोला कि अच्छा ठीक है, अब ये ना नेवी ब्लू कलर की मेरे पास साड़ियाँ भी बहुत सारी हैं। मैंने कहा ये नेवी ब्लू कलर की साड़ी मुझे बहुत पसंद है, पर अब ये जब मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगी ना तभी पहनूंगी। एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं एक बार एक फ्लाइट में जा रही थी, फ्लाइट में मैगजीन होती है, वो मैगजीन मैं खोल करके पढ़ रही थी, तो एक लेडी, खूबसूरत सी लेडी, नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहन के, हाथ में लैपटॉप लेके, गले में डायमंड का सेट लेकर के, और खड़ी थी।
मुझे बहुत पसंद आई। वो फोटोग्राफ देखते देखते मुझे सीन बनाने की आदत ही है, मैं सीन बनाने लगी कि मैं भी जब पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जाऊंगी ना तो ऐसी नेवी ब्लू साड़ी पहनूंगी। तब तक मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था कि ऐसे लैपटॉप खरीदूंगी, डायमंड सेट भी नहीं था कि ऐसे डायमंड सेट खरीदूंगी, और मैं भी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ऐसे ही जाऊंगी। वो सीन में मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देखा और मैंने कहा कि अब मैं नेवी ब्लू साड़ी नहीं पहनूंगी, मैंने सारी की सारी मेरी नेवी ब्लू साड़ी उठा करके लॉकर में वो जो बॉक्स बेड होता है उसके अंदर रख दी और बस भूल गई। जब जब मौका पड़ता था, जब कभी नेवी ब्लू साड़ी पहनने का मन करता था तो नेवी ब्लू पहननी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पहनूंगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पहनूंगी। और हमारी कंपनी सिर्फ इंडिया में ही थी, कोई चांस भी नहीं दूर दूर तक था, पर बस मैं अपने आप से ही कहती रही नेवी ब्लू साड़ी पहननी है। और ये डिसाइडेड था कि जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करूँगी तभी पहनूंगी। एक दिन अचानक से फ्रेंड्स एक कॉल आया कि मैम हम ऐसे ऐसे पोखरा रहते हैं और हम आपकी कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, हमें पता चला आप एक बहुत अच्छी नेटवर्कर हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। मैं बड़ी खुश हो गई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मौका मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैम ऐसे ऐसे आप है ना इधर आ जाइए, काठमांडू आ जाइएगा, फिर काठमांडू से अगले दिन सवेरे आप है ना पोखरा आ जाइएगा, पोखरा में इवेंट है, ये वो सब प्लान हो गया। हम बड़े खुश में और मेरे हस्बैंड हम निकले बस घर से, ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में एक साड़ी कैंप आता है, बैंगलोर की बात बता रही हूँ मैं, बहुत बड़ा साड़ी शोरूम है। और हम कार में बैठे हैं और साइड से जब हम निकले तो उसमें पूरी फ्रंट विंडो पे कम से कम 50 साड़ी नेवी ब्लू कलर की लगी हुई थी। और ये मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा अरुण जी अपन ने प्रॉमिस किया था ना कि जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे तो नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनूंगी। हम ऑफिस गए, ऑफिस से लौटते वक्त हमने वहाँ से एक नेवी ब्लू साड़ी खरीदी, और आ जाकर के मैंने एक छोटा सा पहला अपना डायमंड सेट खरीदा, एक लैपटॉप अरुण जी का तब तक आ ही चुका था, और हम जो है जो जिस भी डेट को फिक्स था उस डेट पर चले गए। वहाँ पे हम काठमांडू में अन्नपूर्णा में रुके, वहाँ पे एंजॉय किया। अगले दिन सवेरे मैं वो नेवी ब्लू साड़ी पहन करके, वो डायमंड सेट पहन करके और लैपटॉप लेकर के तैयार हो गई जाने के लिए। फ्रेंड्स मैजिक अब हुआ जो आप आपको बताने जा रही हूँ। हम काठमांडू के एयरपोर्ट पर जब पहुँचे, तब तक मुझे पता नहीं था काठमांडू में कैसे प्लेन चलते हैं क्या है। हम काठमांडू के एयरपोर्ट पर पहुँचे और वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर पहुँचे, पोखरा के लिए हमने बोर्डिंग पास लिया, और जब हम उस फ्लाइट के सामने खड़े पहुँचे ना, वो 16 सीटर प्लेन था, वो वही प्लेन था जिस प्लेन में वो जो मैंने मैगजीन में जो लेडी को देखा था ना, वो लेडी उसी 16 सीटर प्लेन के आगे खड़ी थी। नाउ दिस इज़ द मैजिक। मैंने सिर्फ नेवी ब्लू कलर पे फोकस किया था, डायमंड सेट पे फोकस किया था, लैपटॉप पे फोकस किया था, पीछे का 16 सीटर मैंने उसका देखा ही नहीं था, पर जो जो मेरी आंखों में जो सीन सेट था, उस आंखों ने उस सीन को देखा था, सबकॉन्शियस मेरा सेट हुआ था, कॉन्शियस मेरा सेट हुआ था, एंड इट वर्क लाइक मैजिक। तब से मैंने इस चीज़ को पकड़ा कि भैया अब तो मुझे जो भी चाहिए ना, मैं चीज़ें छोड़ छोड़ के पालूंगी। मैंने क्या किया, अगला जो लेवल है कि ये लेवल अचीव करूंगी तब ही मैं येलो कलर की साड़ी रिकॉग्निशन में पहन के जाऊंगी। अब येलो कलर की साड़ी कितनी मामूली चीज़ है, मैं आज भी पहन सकती थी, पर मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर दिया येलो कलर की साड़ी पहनूंगी, येलो फ्लावर लगाऊंगी जब ये लेवल अचीव हो जाएगा। अब ये कैसे वर्क करता है इसको समझो। मैंने अपना हर एक लेवल कभी गोलगप्पे छोड़ दिए, तो कभी स्प्राइट छोड़ दी, आजकल मैंने चॉकलेट छोड़ रखी है, कुछ ना कुछ छोड़ करके और मैंने अपने बड़े से बड़े काम करा लिए। ये ट्रिक कैसे काम करती है, आइए इस बात को समझिए। हमारा कॉन्शियस, अगर मैं अपने कॉन्शियस से कहती कि मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना है तो वो क्या कहता, हिंदी तो भाषा आती है, किसी लगत की तो हो नहीं, आता तो कुछ है नहीं, कहाँ से जाओगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, बहस करता। मैंने अपने कॉन्शियस को क्या लेसन दिया, क्या मैसेज दिया, मुझे नेवी ब्लू साड़ी पहननी है, नेवी ब्लू साड़ी पहननी है। और मेरे कॉन्शियस ने क्या कहा, क्या बच्चों की बात है, तुम्हारे पास 10 साड़ियाँ पड़ी हैं, कोई भी उठा करके पहन लो। अब उसको ये नहीं पता कि मैं तो सिर्फ कह रही हूँ नेवी ब्लू पहननी है, जोर से तो यही बोल रही हूँ, धीमे से बोल रही हूँ, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तब पहनूंगी, या येलो साड़ी येलो फ्लावर जब ये लेवल हो जाएगा तब पहनूंगी, या स्प्राइट जब ये लेवल हो जाएगा तब पीऊंगी, या चॉकलेट जब ये लेवल हो जाएगा या ये चित्ते का चेक आ जाएगा तब खाऊंगी। मेरा कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, खा तो लो, फ्रिज में पड़ी है, पहन तो लो, पढ़ा तो है, कर तो सकती हो। उसके लिए जो मैं करने को कह रही हूँ वो बहुत छोटा है, वो जो पूंछ मैंने अपने ड्रीम की लगाई है वो पूछ फूल कर देता है मेरे कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड इजी से काम के लिए हाँ भर देता है और पीछे पीछे बड़ा काम मैं निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स इट वर्क्स। हमने हमारे नेटवर्क में बहुत सारे लोगों को सिखाया, किसी ने गोलगप्पे छोड़े, किसी ने प्याज की कचौरी छोड़ी, और छोड़ देते हैं कि भैया जब ये हो जाएगा तब खाएंगे, और फिर कहते नहीं है कि ये करना है। हम कहते हैं हमें कचौरी खानी है, और कॉन्शियस कहता रहता है खा लो। हम कब में कब पतली गली से सब कॉन्शियस में मैसेज ले जाते हैं और काम हो जाता है। पर इसमें कुछ एक सावधानियां हैं जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। लोग जैसे लोग सुनते हैं ना, मैडम ने कुछ सोचना छोड़ना सिखाया है, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अब तब तक स्टेज पर नहीं जाऊँगा जब तक ये लेवल नहीं हो जाएगा। नहीं, जो काम करके वो सफलता पाओगे, सक्सेस को सेल करके वो सफलता पाओगे, उसको नहीं छोड़ देना है।
या बहुत मुश्किल काम नहीं का वादा नहीं करना है। जब मैं इस लेवल पे जाऊंगा ना तो 100 लोगों को वैष्णो देवी लेके जाऊंगा। क्या आप 100 लोगों को वैष्णो देवी आज ले जा सकते हो? नहीं, वो टफ है। आपका कॉन्शियस माइंड उस टफ काम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये गलती नहीं करनी है, मैंने करी। जैसे एक लेवल पे मैंने ना, उन दिनों बड़ी मोटिवेटेड थी बहुत वेट लॉस करने के लिए, तो मैंने एक अच्छा सा खरीदा था ब्लैक कलर का वेस्टर्न गाउन। मैंने बोला जब ये लेवल अचीव करूँगी ना तो ये वेस्टर्न गाउन पहनूंगी उस रात जब पार्टी में जाऊँगी। तो ना मैं पतली हुई, ना मैं उस वेस्टर्न गाउन में फिट हुई, ना मेरे कॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और ना मैं वो लेवल अचीव कर पाई। बहुत टाइम लगा, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने अपना वो स्टेटमेंट चेंज किया, तो मेरे सबकॉन्शियस ने जो मैंने इजी सा काम दिया उसको माना और मेरा लेवल अचीव हो गया। तो जो आप रिवॉर्ड दो ना कि मुझे ये करना है, मुझे गोलगप्पा खाना है, जैसे गोलगप्पा खाना है आसान है, चॉकलेट खानी है आसान है, तो जो आपका टारगेट है वो बड़े से बड़ा भी टारगेट हो ना, जो चीज़ छोड़ रहे हो वो छोटी सी छोड़ना, और फिर वो कॉन्शियस माइंड उस छोटी सी चीज़ के साथ कहेगा अरे कर लो ना, क्यों परेशान होते हो, कर लो ना क्यों परेशान हो रहे हो। हमारा कॉन्शियस माइंड हमसे बहस नहीं करता और हम अपने बड़े से काम को पतली से गली से निकाल करके लेकर के चले जाते हैं। तो यही आपको करना है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो छोड़ने का फैसला कीजिए। एक बात और, चाय नहीं छोड़ देनी, कॉफ़ी नहीं छोड़ देनी। जिन चीज़ों की आपको आदत हो, जिन चीज़ से थोड़े बहुत एडिक्टेड हो, जो चीज़ें आपको फ्रेश रहने में, एलिटेड रहने में हेल्प करती हैं, वो चीज़ें नहीं छोड़नी है। चीज़ें ऐसी छोड़नी है जो नहीं भी करी, साल भर नहीं पी या 6 महीने नहीं खाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ें छोड़ो और सारा का सारा अंदर ही अंदर फोकस उस बड़े से टारगेट पर रखो। छोटी सी चीज़ जिसको आप बहुत प्यार करते हो वो छोड़ दो और फिर उसके लिए क्रेव करो चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है। अभी मेरी एक डाउनलाइन के 10 लाख रुपए का चेक आ जाएगा, उसके बाद मैं चॉकलेट खाऊंगी। मैंने चॉकलेट छोड़ी है और इस दिवाली सबको चॉकलेट दी है बनवा करके, पूरी 120 पैकेट्स चॉकलेट के मैंने गिफ्ट किए हैं और उसमें से एक भी पीस खुद ने नहीं खाया है। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस था मेरा कि अब जब ये 10 लाख रुपए का उनका चेक आ जाएगा उसके बाद मैं चॉकलेट खाऊंगी, चॉकलेट खानी है। आई विल क्रेव, मैं उसको रोज क्रेव करती हूँ और देखना सबकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों सेट हो जाएंगे इसी में और ये काम आसानी से हो जाएगा। तो ट्रिक योर कॉन्शियस माइंड एंड गेट बिगर एंड बिगर सक्सेस। यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम आपको लगातार सिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए और ज़िंदगी में भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।